Assalamu alaikum everybody. We today are joined with Dr. Mohammed Saqib Saeed, who is the consultant pulmonologist and is right now the chairman of pulmonology in Pakistan. Today we will be talking with him about pneumonia. Last year, the 2015 ki statistics ko dekha jaye, to 92,000 bachon ki death sirf aur sirf pneumonia ki wajah se hui, jisne Pakistan ko is waqt mortality mein due to pneumonia third rank kiya hai. So I think identification और इसकी education बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. Thank you very much, doctor, for meeting us today. Sir, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि pneumonia बीमारी को आप किस तरह define करेंगे कि ये क्या है और इसकी main वजूहत क्या होती हैं? कि pneumonia एक ऐसी बीमारी है जो कि फेफड़ों की infection की वजह से होती है. फेफड़ों में हमारी बेशुमार infection होती हैं, जैसे bronchitis एक बीमारी है जिसमें सांस की नालियों में इन्फेक्शन हो जाती है. नमूनिया खास तौर पे फेफड़ों की वो बीमारी है जो फेफड़ों के स्पॉन्ज जैसे हो, जो जहाँ से आपकी ऑक्सीजन ने खून के अंदर मिक्स होना है, ठीक है, उस एरिया के अंदर जिनको एल्वियोलाई कहते हैं इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से आमतौर पर एल्वियोलाई के अंदर हवा होती है. ये हवा रिप्लेस हो जाती है पानी के साथ या पस के साथ, जो कि ऑक्सीजन को खून में मिक्स नहीं होने देती. तो अगर आपने निमोनिया को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना है तो ये इन्फेक्शन है एल्वियोलाई की या लंग के स्पॉन्जी हिस्से की जो एक्सरे के ऊपर नजर आता है. विदाउट द रेडियोलॉजिकल साइंस, विदाउट द एक्सरे एविडेंस ऑफ निमोनिया, वी कांट डायग्नोस निमोनिया. और ये इन्फेक्शन किसी वायरस से किसी बैक्टीरिया से? बेशुमार वायरसेस और बैक्टीरिया है, आमतौर पर बैक्टीरिया के अंदर होती है. ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया है, जैसे सबसे कॉमन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन करता है. उसके अलावा बच्चों के अंदर हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी बी एक जरासीम है जो इन्फेक्शन करता है. इसी तरह माइकोप्लाज्मा, लेजोनेला, कॉक्सियला, देर आर सो मेनी बग्स विच कैन कॉज नमूनिया. और नमूनिया ना सिर्फ ऐसी इन्फेक्शन है जो कि घरों के अंदर या कम्युनिटी के अंदर हमें होता है, नमूनिया अस्पताल की सेटिंग के अंदर भी होता है. क्योंकि अच्छा. जैसे कि आपको मालूम है कि अस्पताल की एनवायरनमेंट बड़ी हॉस्टाइल होती है, हॉस्टाइल इन टर्म्स ऑफ जर्म्स, जरासीम लोग लेके आते हैं. वो जरासीम अस्पताल की खास बात यह है कि वो जरासीम रेजिस्टेंट है बहुत सारी बीमारियों से. वो इन्फेक्शन जो हस्पताल के अंदर नमूनिया की इन्फेक्शन होती है उसको हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया. तो उसके जरासीम जो है वो मुख्तलिफ हैं कम्पेयर टू जो नमूनिया कम्युनिटी के अंदर डेवलप होता है. और अगर हम पाकिस्तान में जनरली देखें तो हमारे पास कम्युनिटी से लिए गए जरासीमों की वजह से निमोनिया के ज्यादा केसेस आते हैं या हॉस्पिटल की वजह से? देखिए, वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन रेजिडिंग इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी से आते हैं. ठीक है. लेकिन अस्पताल के अंदर जैसे कि हमारी इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पेशेंट्स एडमिट इन द हॉस्पिटल, they stand very high chance of developing pneumonia. लेकिन vast majority of the cases come from the community. ठीक है. तो सर, अगर एक आम पेशेंट है जो ये पता लगाना चाहता है कि उसको निमोनिया है या नहीं, तो मेजर क्या साइंस एंड सिम्टम्स फौरन से जो है ना नजर आ सकते हैं जिससे हम ये डॉक्टर के पास आगे सोचे जाएं कि हो सकता है निमोनिया का कुछ सीरियस हो? इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि निमोनिया इनवेरिएबली विल स्टार्ट विद ड्राई हेकिंग ऑफ खांसी के साथ, जो कि शुरू में बल्ब नहीं आएगा उसके अंदर. नंबर दो, इसके साथ आम तौर पर हाई ग्रेड टेम्परेचर, वो बुखार जो 101 से ज्यादा यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ निमोनिया का आपको. नंबर तीन, उस बुखार के साथ सर्दी का लगना, शिवरिंग का होना. नंबर चार, छाती की उस तरफ जिस तरफ निमोनिया डेवेलप हो रहा है दर्द का होना, और खास तौर पे वो दर्द जो कि बड़ी शार्प दर्द होती है जो कि सांस लेने से या खांसी करने से उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इसको हम कहते हैं प्लूरेटिक चेस्ट पेन. उसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी, सांस का तेज चलना, पैल्पिटेशंस, नब्ज का तेज चलना, ये सारे फीचर्स हैं. कोई एक फीचर नहीं, इट्स यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स जिसमें खांसी, तेज बुखार और छाती में दर्द. और ये छाती में दर्द जरूरी नहीं है कि सिर्फ खांसी और आपको सांस लेते हुए हो, वैसे भी दर्द हो सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. और खास तौर पे ये दर्द लोकलाइज होती है एक साइड के ऊपर, ये आम तौर पे सेंटर ऑफ चेस्ट के अंदर नहीं होती, जैसे हार्ट की पेन होती है या खुराक नाली की दर्द होती है, यूजुअली लोकलाइज होती है टू द साइड ऑफ निमोनिया. और जिस तरह जो
ओल्डर एज के लोग होते हैं वो तो अपने साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर सकते हैं, डॉक्टर को बता सकते हैं. अगर कोई एक न्यू बॉर्न बेबी है या छोटे बच्चे हैं उनमें किस तरह तशखीस की जा सकती है? उनमें जी सबसे ज्यादा नंबर एक का बुखार का होना, ठीक है, बुखार भी डेवलपिंग पर्सन ऑफ एनी एज, ठीक है. नंबर दो खांसी पाना, और नंबर तीन बच्चों में जो बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है वो है तेज ब्रीदिंग रेट, ठीक है, फास्ट ब्रीदिंग रेट. उसके बाद चूंकि बच्चों के फेफड़ों की नालियां, फेफड़े बड़े डेलिकेट होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें साइनोसिस, साइनोसिस होता है ब्लूनेस ऑफ द लिप्स, ब्लूनेस ऑफ द नोज, ब्लूनेस ऑफ द फिंगर टिप्स, वो डेवलप हो जाती है. ये फॉरेन से मतलब डेवलप हो जाती है, ये डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द निमोनिया. अगर निमोनिया की शिद्दत ज्यादा है तो ये साइन जल्दी डेवलप हो जाएगी. लेकिन बच्चों के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है कि एनी हाई ग्रेड फीवर, कॉफ एंड रैपिड फास्ट ब्रीदिंग रेट, और फिर हम कहते हैं कि इंट्रकॉस्टल रिसेशन, मींस इंट्रकॉस्टल रिसेशन ये होती है कि अगर आप बच्चे का शर्ट उतार के देखें तो हमारी ये पसलियां हैं, इन पसलियों के दरमियान अल्लाह ताला ने मसल्स से बांधा हुआ है. इन मसल्स का काम यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये पट्ठे हमारे बाहर की तरफ आते हैं, छाती फैलती है, जब हम इनहेल कर रहे हैं इनमें पैराडॉक्सिकल मोशन आ जाती है कि जब बच्चा सांस लेता है तो ये मसल्स अंदर की तरफ जाते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रकॉस्टल रिसेशन. Intercostal recession is a very good sign of respiratory difficulty which is associated with pneumonia. ठीक है, और ये generally अगर जैसा lungs की और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें सबसे पहला sign यही होता है कि breathing difficulties, तो उनमें भी हो सकता है. Absolutely. ठीक है, तो how is it treated then? अगर let's suppose जैसा हमारे पास different age groups हैं, अगर हम बच्चों को सबसे पहले देखें जो उनके अंदर किस तरह से treatment होता है pneumonia का? निमोनिया का ट्रीटमेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक जनरल मेजर्स हैं और एक स्पेसिफिक मेजर्स हैं. जनरल मेजर्स ये हैं कि बच्चे को टेम्परेचर कम किया जाए कोल्ड पानी की मदद से, पैरासीटामोल देके, क्योंकि बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं कि हाई ग्रेड टेम्परेचर के साथ उनमें एपिलेप्टिक फिट्स, जिसको हम कहते हैं फिब्राइल कन्वल्शन, बुखार की वजह से कन्वल्शन होने का खतरा होता है. इसे हमारा एम भी होता है कि बच्चों का टेम्परेचर 101 डिग्री फारेनहाइट से नीचे रहे. उसके बाद चूंकि निमोनिया की वजह से आपका हाई ब्लड टेम्परेचर की वजह से बच्चों में पसीना ज्यादा आता है, परस्पिरेशन होती है, सो दे लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. उनको एडिक्वेट हाइड्रेशन करना बड़ा जरूरी है. अगर बच्चा ऑरली ले सके तो वेल एंड गुड, अगर ना ले सके तो इंट्रावीनस रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद स्पेसिफिक मेजर है व्हिच इज बाई मेजर्स एंड टू बाई फार द मोर इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपेंसिटी ऑफ द बग कॉजिंग इन्फेक्शन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स. अगर इन टाइम हम इंटरवीन करते हैं स्पेसिफिक एंटीबायोटिक तो वी सेव द लाइव्स, वी अवॉइड अननेसेसरी हॉस्पिटल एडमिशन, we avoid unnecessary complications associated with pneumonia, or patient ki long term complications of pneumonia ke chances badhte ja rahe hain. To ye time break kya hota hai? Ye usually on the first presentation as you diagnose the pneumonia, before sending the tests, various blood tests, give the patient intravenous antibiotics straight away. And there's a lot of evidence that giving antibiotics, intravenous antibiotics during the first 6 hours of onset of pneumonia can reduce the risk of complications. And if let's suppose if we consider that there was a first presentation of pneumonia, लेकिन अगर let's suppose वो diagnose नहीं होता, वो antibiotics की वजह से कोई side effects तो ज़्यादा कोई लेकिन pneumonia के अंदर side effects के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि pneumonia is a medical emergency and it is a very very grave medical emergency with very grave consequences. As you yourself told that 92,000 children died in year 2015, yeah, and it accounts for nearly 18% of all the deaths in children under 5 years of age. Right. You can well imagine the scale of the problem. Exactly, yes. And Pakistan is amongst those 5 high burden countries of the world jo ke 99% of the cases of pneumonia ko cover karte hain. To hamari setting ke andar jo bahut important aspect hai pneumonia ko identify karna aur identify karke immediately antibiotic therapy ko impart karna aur administer karna is extremely. Is it a myth या वाकई में ऐसे ही है? देखिए जी, any respiratory infection जहाँ पे जरासीम खांसी करके हम निकालते हैं, या जो खांसी करते हैं तो हमारे droplets निकलते हैं,
जो कि ब्रेन में जुटा जाता है, तो हमारी रेंज में जो आएगा व्हेन यू हैव एन इन्फेक्शन इन द चेस्ट यू कैन पास द इन्फेक्शन ऑन टू द अदर पर्सन. ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक प्रिकॉशंस. मास्क का पहनना बड़ा जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैंड वॉशिंग बड़ी इम्पोर्टेंट. सही है, ठीक है. आई थिंक हैंड वॉशिंग इज सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर विच कैन prevent you from developing a lot of respiratory infections including pneumonia. Right. और ये बिल्कुल myth नहीं है. ये that is true कि जितनी भी respiratory infections हैं, viral हो, bacterial हो, you a patient has the propensity of passing these infections onto the close contacts. और आपके hand washing से जो ये चीज़ मेरे ज़हन में आती है that it is highly linked to the sanitation facilities. Absolutely. And we know that in our country the sanitation facilities are not that readily available. बहुत सारे इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे सफाई का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता जो आपके suburban communities हैं. तो is it would it be true if I say कि जो pneumonia है वो different socio economic classes को different तरीके से strike करती है. Absolutely. I mean that is true for most of the conditions including tuberculosis. Right. Which is generally a disease of relatively low socioeconomic group because of the sanitation facilities and because of the overcrowding of people in the same house or in the same room. So, ye, that is very true. Pakistan mein to scenario different hai. Jitne bhi developing countries hain ya jo ke is waqt in the state of development hain, unke andar ye aapki washroom facilities, toilet facilities are grossly lacking. Yeah. Aur unke andar agar aap पर फैमिली टॉयलेट फैसिलिटीज इन सबर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में निकालें तो आपकी रेशियो इज वेरी अलार्मिंग. ठीक है, तो अब अ पर्सन हु हैज बीन डायग्नोस्ड विद निमोनिया जिसका ट्रीटमेंट भी हुआ है वो अपने लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस देकर है टू अवॉइड द इन्फेक्शन इन फ्यूचर एंड मे बी टू हेल्प इम्प्रूव हिज ओन लाइफस्टाइल. देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू प्रिवेंट एंड टू प्रिवेंट निमोनिया फ्रॉम हैपनिंग and from contracting pneumonia is number one general sanitation, proper hand washing, and very, very importantly pneumonia vaccination to the vulnerable people in this society.